सीक्रेट पासवर्ड था। अच्छा, देखा जाने के देखिए ये है गुलदस्ता है ना यहाँ। हाँ। देखिए त्रिशूल है, डिफरेंट मछली है, हर सुरंग में भी बना हुआ, अभी आपको दिखाएंगे। अच्छा। पेंट रूंट मारने की वजह से सब खराब हो रहा है। शेरशाह सूरी वही लास्ट बाउंड्री से जब शेरशाह ने अकबर के पिता हुमायूं को हराया था तो हुमायूं छलांग मार के नदी के रास्ते जो कि भारत छोड़ के भाग गया, जब बाद में उसकी मृत्यु। और जब अंग्रेज लोग आए वहां पे काला कपड़ा पहना करके रस्सी वाला फांसी देने लगे, और उसके नीचे जो स्लोपिंग टाइप बना है वहां डाउन में सीधे डीप है जी। ना बॉडी को गाड़ते थे ना किसी को देते थे, डायरेक्ट बॉडी। पूरे ऊपर से लेकर 200 डीप 200 फीट गहरा कुआ है। तो जो खिड़की देख रहे हैं जो विंडो है, जैसे जल का लेवल ऊपर हो जाए, वाटर का लेवल जो गोल नहीं बना है जी जी। उसमें डोरी रस्सी खींच के वो टंकी था अंदर, उसमें पानी भर देते थे गुलाब जल डाल के और रानी अंदर अंदर नहा के अपने महल में चली जाती जैसे जैसे पानी के। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको चुनार किले का आधा हिस्सा दिखाया था, ये नया वीडियो है, दूसरा वीडियो है, इसमें हम दूसरा पार्ट भी दिखाएंगे जिसमें हम आपको फांसीघर भी दिखाएंगे, जो अन्य स्थान है किले से जुड़े हुए वो भी दिखाएंगे। तो चलिए अभी राहुल जी को साथ में ले लेते हैं, और जो राहुल भैया हैं यहाँ पर साथ में ले लेते हैं, और उसके बाद में हम आपको वीडियो को शुरू कर देंगे। इधर अभी हमने इसके लिए ये साइड जो थी पिछले वीडियो वो दिखाई थी आपको, और अब हम आपको जो देखिए इस अब हमारा यहाँ से शुरू होगा। तो देखिए अभी हम यहाँ से अंदर के लिए चलते हैं और सामने खड़े राहुल जी उनसे बात करते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ की बनावट कुछ इस प्रकार से है। और तो भैया इस वीडियो में क्या क्या दिखाएंगे आप? अब यहाँ पर दिखाएंगे तिलस पासवर्ड है, कुआं है, फांसी घर इधर आइए, तिलस कुमार निशान। अच्छा अच्छा, ये चंद्रकांता देव सीरियल में नहीं देता था जी, जो देवकी नंदन खत्री जी का लिखा हुआ उपन्यास था, जी, जी, कहानी था जी, उन्हीं का उपन्यास है। तीर है, त्रिशूल है, मछली है, सब स्टोरी बहुत फेमस था, संतति था नाम था उनका जी, चंद्रकांता संतति बनी थी, बहुत स्टोरी काल्पनिक कहानी बना लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था जी जी। तो पहले टीवी चैनल में भी आता था, 1990 में आता था। और यहाँ देखिए पत्थरों भी देखिएगा सामने, तीर बना है यहाँ, त्रिशूल है, मछली यहाँ दिखा, मछली दिखा हाँ, मछली है, कमल का फूल है, डिफरेंट टाइप का सिंबल बना इससे बने हुए राजाओं से कोड होता था। अच्छा अच्छा, इसको तिलस्म का निशान बोलते, इसका मतलब था पहले के समय बैंक नहीं था, सिक्का चलता था। अच्छा अच्छा, हरा हुआ राजा रहे खजाना कितना घोड़ा भी लेके भागे, वो किसी एक नकाशी में अपना खजाना चुरा दे और बहुत सारा निशान बना दे भ्रमित करने के। अच्छा, ये तिलस्म कोड है, सीक्रेट पासवर्ड था। अच्छा अच्छा, खजाने के देखिए ये गुलदस्ता है ना यहाँ, देखिए त्रिशूल है, डिफरेंट मछली है, हर सुरंग में भी बना हुआ, अभी आपको दिखाएंगे। पेंट रूंट मारने की वजह से खराब हो रहा है पत्थर, वही सुरंग के अंदर ले चलते हैं तो दिखाएंगे। और फांसी घर किधर है यहाँ पे? अभी आगे में। अच्छा, हिस्टोरिकल किला, अभी किला मेंटेन होगा, इसको डेवलप करा रहा है गवर्नमेंट, तब पूरा खुल जाएगा। अच्छा, तब पूरा देखने लायक हो जाएगा, तब लाइटिंग से पूरा म्यूजियम म्यूजियम सब हो जाएगा, तब पूरा मेंटेन होगा, तब आपको अच्छा लगेगा देखने। और जो आप खड़े हैं जी, ये छत है पूरा नीचे, अभी सुरंग के नीचे आप उतारेंगे, पूरा स्टेप्स बने 5 टर्न है, घूमते घूमते पूरा नीचे चले जाएंगे। ये 200 फीट गहरा कुआ था। अच्छा, ये वाला सामने वाला। अच्छा, इसका पानी जो है गंगा नदी से आता है। अच्छा, और ऊपर यहाँ देखिए ऊपर एक विंडो बना होगा, जो खिड़की दिख रहा है वो दोनों तरफ है, उस पर दासियां लगी रहती थी, महिला सैनिक पहरा देने के लिए। और रानी कहाँ से जाती थी, यहाँ आपको एक सुरंग दिखाते हैं जो कि 5 मोड़ था, अंडा यहाँ खड़ा हो गया यहाँ पे, तो रानी इसमें अंदर अंदर जाके नहाती थी। नीचे देखिए जो पानी वाला देख रहे हैं ना, वो नीचे था, वहां से घूमते घूमते पूरे कुएं के अंदर चला गया। अच्छा, उसी रास्ते रानी जाती थी नहाने के लिए। अच्छा, और ऊपर वाला जो खिड़की देख रहे हैं उस पर दासियां लगी रहती थी, महिला सैनी। अच्छा, इसके अंदर चंद्रकांता का शूटिंग हुआ था, जो दमदमी मैया थी जी, इसके अंदर कुएं में कूद करके जान दे दी थी, इसीलिए इसको मौत का कुआं बोलते हैं। अब आपको नीचे ले चल के दिखाएंगे, इसके अंदर ले कुआ के अंदर चलेंगे। हाँ, और ये देखिए तीर बल्लम छोड़ते थे यहाँ से। अच्छा अच्छा, यहाँ से देखिए डायरेक्शन तीन बना, देख रहे हैं यहाँ तीन तरफ से मारते थे वार करते। अच्छा, यहाँ सैनिक वगैरह खड़े रहते थे यहाँ पर। यहाँ से देखिए समझ में आया, जो नजदीक के लिए बना है बल्लम। हाँ, यहाँ से भाला फेंक के मारते थे जो नजदीक है। अच्छा अच्छा, और दूर के लिए तीर से। अच्छा, ऐसा बना है की उधर से दिखेगा नहीं लेकिन यहाँ डायरेक्ट लगता था, इसको बोलते हैं छिप वार, छिप के दुश्मनों को मारते थे। अच्छा, यहाँ से राजा के जो सैनिक थे वो यहाँ पर खड़े रहते थे। तो यहाँ एक बैठ गए, देखिए किले का मेन गेट दिखेगा, बैठ जाइए यहाँ से, देखिए यहाँ से आपको सीधा किले का मेन गेट द्वार दिखेगा, दिखाई देगा, ऐसा बन दिखेगा, दुश्मन आपको नहीं देख पाएगा लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट मार देंगे, गेट पर कोई आ जाएगा तो यहाँ से बाहर कर देंगे। और यहाँ से जो है कुएं का आपको पानी दिखेगा, यहाँ खड़ा हो आराम से,
नीचे देखिएगा पूरा कुएं का पानी दिखा है अंदर दिख रहा है, और वो जो खिड़की देख रहे हैं जो विंडो है जैसे जल का लेवल ऊपर हो जाए, वाटर का लेवल जो गोल नहीं बना है जी जी। उसमें डोरी रस्सी खींच के वो टंकी था अंदर, उसमें पानी भर देते थे गुलाब जल डाल के और रानी अंदर अंदर नहा के अपने महल में चली जाती, जैसे जैसे पानी का लेवल हो वैसे वैसे स्टेप्स बना था नहाने के लिए। अच्छा उसी में से आने आती थी सुरंग के रास्ते, पांच मोड़ था यहाँ सुरंग में जाने का। अच्छा ये जो है इसी रास्ते रानी जा रही थी नहाने के लिए, पूरा ऐसे टर्न हो के पूरा घूम के जी नीचे चला गया। अभी आपको दिखाते हैं, इधर में आ जाइए, ये पूरा पांच मोड़ था, इसी रास्ते रानी आती थी कुएं के अंदर नहाने के लिए। और यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पत्थर पे देखिए, जो आप लोग दिखाया गया था कहीं मछली बना है कहीं त्रिशूल है, यहाँ डिफरेंट टाइप के सिंबल बने हुए हैं। और ये पूरा फाइव मोड़ था, पांच मोड़ था, ऐसे करके देखिए इधर से आया ऐसे और ऐसे करके यहाँ से पूरा ऐसे, यहाँ देखिए पासवर्ड जो आप लोग वहाँ दिखाए थे ये हर जगह पत्थरों का बना है। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा तीर त्रिशूल मछली, यहाँ डिफरेंट टाइप का सिंबल, उस समय कोड होता था और ये अंडरग्राउंड थे बने थे, यहाँ से पूरा आने के लिए सुरंग बने थे, पांच मोड़ थे, स्टेप्स था। रानी पालकी के सहारे इसी रास्ते कुएं के अंदर जाती थी नहाने के लिए। देखिए ये अंडरग्राउंड रास्ता, अभी आपको नीचे ले चलते हैं दिखाते हैं, पूरा स्टेप्स बने, लंबे लंबे स्टेप्स होते थे क्योंकि पहले की जो महिला दासियां होती थी पूरी बड़े बड़े होती थी। और देखिए पूरा अंडरग्राउंड रास्ता था, इसी सुरंग के रास्ते रानी आती थी नहाने के लिए। ये देखिए ये पूरा बड़ा है पार्ट है पूरा, ऐसे जो ऊपर से आप लोग को दिखाए थे, ये देखिए इसी रास्ते ऐसे आके ऐसे पूरा आकर के ये पूरा जो आप लोगों को दिखाया गया था ऊपर से देखिए वो सब स्टेप्स हैं पूरा ऐसे। लोग अब बॉटल वोटल डाल के देखिए कचड़े कर दिए सब के अंदर, लेकिन ऐसा ना करें, इसका जो पानी है गंगा का स्रोत है, जैसे जैसे गंगा का पानी बढ़ता है वैसे वैसे इसके अंदर से पानी भरा हुआ है। ये देखिए पूरा ऊपर का है पूरा एरिया, ये देख लीजिए। अब ले चलते हैं आप लोग को आगे, नेक्स्ट फांसी का घर दिखाया जाएगा जहाँ पे पहले कतले आम सब स्टेप्स बने, टूट गए हैं सब, लेकिन अब इसको मेंटेन हो जाएगा तो पूरा अच्छा हो जाएगा, जो पूरे देखने लायक हो जाएगा, सब ऐतिहासिक धरोहर है। और देखिए आइए चलते हैं ऊपर, देखिए पूरे ऊपर से लेकर 200 फीट गहरा कुआ है। देखिए यहाँ पे नकाशी कुछ अलग है, यहाँ अलग है, सब डिफरेंट टाइप का सिंबल होता था उस समय कोड, और इसी रास्ते नीचे आप लोग को दिखाने के लिए ले गया गया था। पूरा अंडरग्राउंड है, स्टेप्स के वजह से पूरा रानी लोग पहले इसी रास्ते रानी जाती थी नहाने के लिए। नीचे गए थे यहाँ से देखिए, अरे ये जो पूरा यहाँ से यू टर्न हो के पूरा ऐसे सीधा अंदर, पहले वेंटिलेशन जाने के लिए था, बारिश का पानी जा जाके ये सब दब रहा है, मिट्टी बैठ रहे हैं, पूरा अंडरग्राउंड फ्लोर है नीचे। अच्छा अच्छा, और ये जो है ये उस समय का अस्तबल बना था घोड़े रहने के लिए, घोड़े रहते थे इसमें, ये
शेर शाह सूरी के नाम सुने होंगे? हाँ सुना था। ये 1530 का था, अस्तबल खान जो सासाराम बिहार है जी, वहाँ का जो उसका मकबरा है शेर शाह सूरी का। जैसे जर्जर हो गए मकान, सब टूट रहे हैं, ये सारा पत्थरों का ही बना हुआ है, चूने पत्थर का, चूना पत्थर, जो चूना सुर्खी गुड़ बेल मिक्स होता है जी जी, इससे सब बनाया जाता था पहले। अच्छा, और यहाँ जो फांसी घर है वो कहाँ है? अब आगे है ऊपर में। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर जो मुगल टाइम में कत्लेआम होते थे, फांसी घर है, वो भी अभी हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहें। अच्छा, ये फिर गंगा आ गई, गंगा फिर यहाँ देखें, यहाँ पे जो वाला खिड़की देख रहे हैं, जो विंडो बना है जी, वो रानियों का झरोखा था, वहाँ पे जो शेरशाह की वाइफ थी जी, वहाँ पे रानी फातिमा बेगम बैठती थी, और यहाँ पहले दरबार लगता था, कोर्ट कचहरी अदालत। अच्छा, यहाँ बाहर दीवाने हैं, अंदर दीवाने खास। अच्छा, ये प्रेजेंट टाइम में PWD का VIP गेस्ट हाउस, यहाँ विचार होता था, कोर्ट लगता था। अच्छा, इसको जेल की सजा हो, जेल में फांसी वाले नीचे जाते थे, इस रास्ते की गेट सामने यहाँ से देखी। अच्छा, तो आप लोगों को गेट वहाँ दिख रहा है जी, उसी रास्ते नीचे ले जाते थे, फांसी भी देखिए यहाँ से आपको फांसी का घर। अच्छा, ये फांसी घर है, नीचे में आपको लेफ्ट साइड में 3 पिलर्स बना है, जो किनारे मकान दिख रहे हैं जी, वो फांसी का घर था, वहाँ पहले जो मुगा पे गला को काट देते थे, कत्लेआम होता था, और जब अंग्रेज लोग आए वहाँ पे काला कपड़ा पहना करके रस्सी वाला फांसी देने लगे, और उसके नीचे जो स्लोपिंग टाइप बना है वहाँ डाउन में सीधे डीप है जी, ना बॉडी को गाड़ते थे ना किसी को देते थे, डायरेक्ट बॉडी वहाँ से गंगा में फेंक दिया जाता था, और जो राजा होते थे यहाँ से इशारा करते थे, ऑर्डर करते थे, वहाँ फांसी होता था, कत्लेआम कर फांसी यहाँ से देखते रहते थे। हाँ, और उधर जब दिख रहे हैं झाड़ी में सब जितने घर बने हैं जी, उधर सब जल्लाद रहते थे फांसी देने, इन मकानों में हाँ, वो सब फांसी देने वाले जल्लादों का घर होता था, और नीचे देखिएगा पूरा रोड से इधर से उतार के पूरा नीचे ले जाकर वहाँ पे फांसी देते थे, कत्लेआम। अच्छा, यहाँ होता था कत्लेआम। बस फोर्ट में घूमने के लिए आप लोग को यहीं ब्रिज से वाराणसी चले जाइएगा, शॉर्टकट रास्ता है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर। और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ देखिए पूरा सब चुनार का ही पार्ट है, उधर जो जेल दिखाए थे वही वाला, और देखिए यही वाला था, यहीं पे रानी लोग पहले मुगल टाइम में घूंघट में बैठती थी, और यहाँ से रानी फैसला सुनती थी, और यहाँ नीचे पहले कोर्ट लगता था, विचार होता था, यहाँ बाहर प्रजा बैठते थे दीवाने आम, और अंदर को दीवाने खास होता था, जो कि ये प्रेजेंट टाइम में VIP गेस्ट हाउस बना दिया गया, किसी VIP लीडर लोग को पकड़ा जाता है तो इसके अंदर हाउस अरेस्ट करते, नज़र बंद किया जाता है यहाँ पे। और देखिए वही वाला लास्ट था आप लोग, नाम शेरशाह सूरी, वहीं लास्ट बाउंड्री से जब शेरशाह ने अकबर के पिता हुमायूं को हराया था, तो हुमायूं छलांग मार के नदी के रास्ते जो कि भारत छोड़ के भाग गया, जब बाद में उसकी मृत्यु हो गई शेरशाह की, कलिंजर फोर्ट में घायल हो गया, तो सासाराम में उसका मकबरा बना, फिर बाद में हुमायूं दोबारा आक्रमण करके यहाँ का राजा बना, जीत लिया इसको। ये पूरा लास्ट बाउंड्री वाले किले का पार्ट है, गंगा नदी, गंगा रिवर से, और इसी ब्रिज से आप सीधा वाराणसी को निकल जाएंगे, शॉर्टकट रास्ता है, गंगा यहीं से सीधा आगे सीधा इधर गुजारे, देखिए यू टर्न लोग वाराणसी, और वही जो आप लोग फांसी का घर देखे थे वही वाला था, वो सीढ़ी से नीचे उतार के ले जाते थे, और ये रोड था पूरा ऐसे जाने के लिए वहाँ बने हुए थे, और ये वाला VIP जेल था जो आपको उस साइड से दिखाया था, उसका पीछे का बैकग्राउंड है, बाउंड्री वॉल है, ये पूरा पीछे का किले का हिस्सा है, देख लीजिए। तो दोस्तों ये थे अभी हमारे साथ राहुल जी, और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमें चुनार गेट की, चुनार का जो किला है वो हमें दिखाया, और काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जब भी कभी आप चुनार गेट, चुनार का किला, जो चुनार का जो किला है देखने यहाँ पर आएँ, तो राहुल जी से मिलिए, इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है हम वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और भैया अभी आपको बता रहे हैं, क्या नंबर है भैया आपका? 9935140816। ये आपका नंबर है? अच्छा, कोई कहीं से घूमने आता है तो? कोई दिक्कत नहीं, नंबर होता है, एक लोग नहीं, बहुत लोग। अच्छा अच्छा, तो इनसे भैया से मिल सकते हैं, और आप चुनार का किला पूरी तरीके से यहाँ एक्सप्लेन कराएंगे आपको। दोस्तों कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।